एक कहानी ये है कि बीजेपी के 10 साल का जो कार्यकाल था वो बड़ा लोगों को परेशान करने वाला कार्यकाल था। लोग बड़े परेशान थे, दुखी थे, एक तो वो छुटकारा चाहते थे। हिसार जिले के नलवा विधानसभा के अभी नौली गांव में हम पहुंचे हैं और यहां आप देख रहे हैं कि भीड़ लगी हुई है। प्रत्याशी यहां कांग्रेस पार्टी के आए हुए हैं अनिल मान जी, और इनका स्वागत देखिए चारों तरफ किया जा रहा है, फूल बरसा के, माला पहना के, और एक ट्रैक्टर का जो है जुलूस भी निकला है, पीछे हम दिखाएंगे आपको। अभी बात करते हैं मान साहब, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की बात कही जा रही है और प्रदेश में हम जहां जा रहे हैं वहां बदलाव की बात कही जा रही है, आप नलवा विधानसभा से प्रत्याशी हैं, क्या लोगों से आप मिल रहे हैं, लोगों का क्या कहना है? आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज जो है वो लहर है कांग्रेस पार्टी की, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की लहर है, और सभी मना चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार चाहिए। इसके दो कारण हैं। एक कारण ये है कि बीजेपी के 10 साल का जो कार्यकाल था वो बड़ा लोगों को परेशान करने वाला कार्यकाल था। लोग बड़े परेशान थे, दुखी थे, एक तो वो छुटकारा चाहते थे, और दूसरा ये था कि जो 2005 से 2014 तक का जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का 10 साल का कार्यकाल था वो रामराज था, और उस रामराज को लोग याद कर रहे हैं, इसीलिए वो जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को याद कर रहे हैं। सभी जो आम जन है सबके मन में ये बात है कि कितनी जल्दी जो है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब सीएम बने और जो विकास का जो पहिया थम गया था हरियाणा का वो दोबारा से चालू हो। विकास का पहिया थम गया था, आप बात कर रहे हैं, आप अपने क्षेत्र में जो लोगों से, जनता से मिल रहे हैं, तो आपके क्या मुद्दे हैं, और जनता के लिए आप विधायक बनते हैं तो क्या करना होगा, आपने ये सोच रखा है वो जनता से बात उस मुद्दे पर कर रहे हैं? देखिए, हमारे विधानसभा में सबसे ज़्यादा बड़ी जो दिक्कत है वो पानी की दिक्कत है। नहरी पानी का तो बहुत बुरा हाल है हमारा, और पीने के लिए पानी भी है वो भी जहर पिलाया जा रहा है लोगों को, क्योंकि हमारे पूरे जितने भी वाटर वर्क्स हैं और जो सप्लाई वाटर सप्लाई प्लांट्स हैं वो सभी डैमेज हैं, और सड़कें दुरुस्त नहीं हैं, सड़कें हमारी टूटी हुई हैं, और कोई हॉस्पिटल की जो है मेडिकल सुविधाएं नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं, अब स्कूल हैं वहाँ टीचर्स नहीं हैं, जो स्टेडियम है वहाँ कोचेज नहीं हैं, सभी वर्ग जो है परेशान हैं, और हम सब प्राथमिकता हमारी ये रहेगी, सबसे पहले मेरी प्राथमिकता रहेगी कि पूरी विधानसभा को शुद्ध पानी, ड्रिंकिंग वाटर जो है वो उपलब्ध कराना। उसके बाद जो मैं एजुकेशन बैकग्राउंड से आता हूँ, और मेरे विधानसभा में मैं ऐसा चाहूँगा कि हम लोग जो हैं एजुकेशन जो है सर गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें अच्छे जो टीचर्स हैं उनको प्रॉपर उनको टीचर्स और जो बिल्डिंग है उनका रख रखाव का काम आएगा, और सड़कें हैं जो बाकी और जो एडमिनिस्ट्रेशन के काम हैं उनको हम लागू करेंगे। अंत में आपसे पूछना चाहेंगे, जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? हालांकि नलवा देखा जाए तो विधानसभा बहुत बड़ी विधानसभा नहीं है, वोटर भी मुझे जहां तक जानकारी मिली कि 1 से 1.5 लाख वोटर हैं, 1,80,000 हैं, तो आप जनता को क्या अपील करेंगे कि वो आपको वोट करें और आप उनके साथ हैं? देखिए, मैं जनता से मेरे लिए तो यही अपील करूँगा कि मैं पिछले 10 साल से विधानसभा में घर घर तक पहुँचाऊँ। आप भी पूरी विधानसभा में किसी से बात करेंगे तो हर आदमी यही आपको हर यही बोलेंगे कि मान साहब हमारे घर चाय पी लिए, मान साहब से हम लोग मिल लिए। तो बेटा होने के नाते आपकी खुशी गमी में, ब्याह शादी में, कान मुकान में हमेशा ही मैं आप लोगों के बीच आपका बेटा आता रहा, तो मैं इसी नाते मैं आपसे जो है वोट की अपील करता हूँ कि मुझे वोट दो। और दूसरा, वोट जो है आपके वोट के दो काम होंगे, एक तो ये है कि आपका विधायक, आपका भाई, आपका बेटा विधायक बनेगा, और दूसरा ये है कि सबसे बड़ी बात है जो हमारा सबका ध्येय है, पूरी विधानसभा का, नलवा विधानसभा का ध्येय है कि आपके वोट से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब भी सीएम बनेंगे। तो मैं यही अपील करना चाहता हूं कि हमें वो जो राज था, जो 10 साल का जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का राज था 2005 से 2014 तक रामराज था, हमें वो रामराज लेके आना है और पब्लिक की सेवा करनी है। धन्यवाद आपका। देखिए, रामराज की बात अनिल मान जी कह रहे हैं, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ जो भीड़ तो आप देख ही रहे हैं, साथ ही साथ जिस तरह से ये ट्रैक्टर का जुलूस भी निकाला गया है और इस पे लोग हैं, बच्चे हैं, और कांग्रेस पार्टी के झंडे भी आप देख सकते हैं, तो काफ़ी अगर कहा जाए तो एक तरह से यहाँ नलवा विधानसभा के वोटरों में उत्साह है, और ये जो उत्साह आप देख रहे हैं ये कांग्रेस पार्टी को लेकर है। जिस तरह से ये न्योली गाँव है, आप देख लीजिए कि यहाँ पर किस तरह से लोग निकल कर आए हैं, और जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस
के अनिल मान उनका स्वागत करें। तो आने वाले जो 5 अक्टूबर को चुनाव होगा, अब देखने वाली बात होगी कि नलवा विधानसभा क्षेत्र की जनता अनिल मान को अपना विधायक बनाती है या क्या होता है, ये 8 अक्टूबर की मतगणना के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह की अगर हरियाणा में लहर अगर कही जाए या हर क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी जो हैं वो अन्य प्रत्याशियों पर भारी दिख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं कि ये लोगों में एक बदलाव का भाव हरियाणा में इस समय चल रहा है। नलवा से कैमरामैन स्वास्तिक के साथ ओम प्रकाश राय, भारत एक्सप्रेस।